हेलो स्टूडेंट, आईटी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गूगल क्रोम की शॉर्टकट की, क्योंकि हम बार बार कीबोर्ड को यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो टाइम सेविंग के लिए और अच्छे यूज के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ कर रहे हैं। तो देखिए, आज हम गूगल क्रोम से रिलेटेड शॉर्टकट की को करेंगे किस तरह से। इसके अंदर आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आपको बताई जाएगी, जैसे आपको पहले थ्योरेटिकली के साथ साथ प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे हम आपको। सबसे पहले हमारा न्यू टैब कंट्रोल प्लस टी, राइट। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक टैब दिखाई देगा ओनली न्यू, ठीक है। मैं सेकेंड टैब खोलना चाहती हूँ, या तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी या फिर क्या बता आपको कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपका न्यू टैब ओपन हो जाएगा, राइट। अब ये हमारी विंडो, सेकंड हमारी शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल एन। एन से क्या होगा, हमारा न्यू विंडो ओपन होएगी। तो न्यू विंडो, ये देखो आप यहाँ दो टैब खुले हैं हमारे, कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो हमारी नई विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पे, राइट। कंट्रोल टी से न्यू टैब, राइट। अब उसके बाद हमारा गो इकोग्निटो मोड, ये क्या होता है, जैसे कई बार हम भी कोई भी पेमेंट वगैरह करते हैं, कोई सीक्रेट से काम करते हैं, तो उसके लिए अगर हम हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं टैब्स के थ्रू तो उसमें तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अब अगर हम प्राइवेसी चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं गो इकोग्निटो मोड। तो उसके लिए हमारा शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। ये देखिए, यहाँ पे अपने हिस्ट्री अगर चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी, ये देखो हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन मुझे कौन सी कमांड यूज़ करनी है, कंट्रोल शिफ्ट के लिए हमारे यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं न्यू इंडिगो विंडो कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। बार बार ये यूज ना करना पड़े, यहाँ पे जाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए हमारा क्या है कंट्रोल शिफ्ट एन। ये देखिए, यहाँ पे हमारा खुल जाएगा यू हैव गॉन इंडिगो, राइट। इसको बंद करने के लिए हमारा कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हमारी शॉर्टकट कमांड है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमारी जो है हिस्ट्री चेक करने के लिए कंट्रोल एच, राइट। हिस्ट्री अगर यहाँ पे हमने चेक करनी है तो हिस्ट्री के अंदर कैसे चेक करना पड़ेगा, कंट्रोल एच, हिस्ट्री हमारी ओपन हो जाएगी, राइट। अगर मैं इस ऑप्शन को मैं क्लोज कर देती हूँ, यहाँ से भी हम हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। बार बार ये तो नहीं कि यहाँ पे आप जाके उसको चेक करोगे, ठीक है। तो शॉर्टकट की यूज हम करेंगे तो ईजिली हमारा काम टाइम सेविंग के अकॉर्डिंग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारी ओपन लास्ट क्लोज टैब, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारे टैब ओपन किए हुए हैं कंट्रोल टी से हम, ये देखिए अब हमारी ये सारे टैब ओपन हैं। बाय चांस ये सिस्टम हम बंद कर देते हैं या गूगल क्रोम को ही हम बंद कर देते हैं तो उसको कैसे ओपन कर सकते हैं, जैसे यहाँ से मैंने क्या किया इसको क्लोज, राइट। और अब मैं इंटरनेट एक्सप्लोर ओपन करना चाहती हूँ तो वह हमारे टैब्स नहीं आएंगे, नहीं आ सकते हैं। तो उसके लिए आपसे शॉर्टकट कमांड क्या होता है, आपको कंट्रोल शिफ्ट टी, राइट। कंट्रोल शिफ्ट टी, ये देखिए आपके ये सारे के सारे टैब वापिस आ चुके हैं, राइट। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टी भी हम यूज कर सकते हैं। फिर हमारा जैसे क्या करते हैं आप क्लोज एक्टिव टैब राइट, ठीक है। आपको बताया था पहले भी कंट्रोल डब्ल्यू से ही यूज कर सकते हैं। अगर हमें बार बार इस टैब पे जाने की जरूरत पड़ती है, जैसे यहाँ पे क्लिक न्यू टैब हिस्ट्री, बार बार ये क्लिक करना पड़ता है हमें, ठीक है। लेकिन मुझे क्लिक करने के बाद शॉर्टकट की यूज़ करती हूँ तो उसके लिए क्या रहेगा हमारा शॉर्टकट, कंट्रोल पेज अप एंड पेज डाउन। अगर बैक में जाए कंट्रोल के साथ पेज अप, ये देखिए हमारा कर्सर बैक में जाए, और राइट में जाना है कंट्रोल के साथ हम पेज डाउन को क्लिक करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप टैब भी चेंज कर सकते हैं, राइट। ये था हमारा जंप बिटवीन नेक्स्ट एंड प्रू जंप, ये चीज़ आपको पता है। उसके बाद है मिनिमाइज द एक्टिव विंडो, मिनिमाइज के लिए हमारा क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल डबल, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ओपन योर डाउनलोड पेज। अब ये देखिए, यहाँ पे आप डाउनलोड पेज कहाँ से डाउनलोड करोगे, यहाँ राइट में जाके यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं बार बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके लिए हमारे शॉर्टकट कमांड क्या यूज़ करेंगे, कंट्रोल जे। तो यहाँ पे हमारी डाउनलोड जो थी फाइल वगैरह है या कोई भी आइटम्स है, म्यूजिक वगैरह कुछ भी हो सके, कोई सॉफ्टवेयर भी हो सके, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ जे प्रेस करें, राइट।
नेक्स्ट की जो हमारी बुकमार्क दे देते हैं, अभी हमें बार बार वो साइट वगैरह ओपन ना करनी पड़े तो उसके लिए यूज़ कर लेते हैं बुकमार्क, कंट्रोल डी सिंगल टैब के लिए और कंट्रोल शिफ्ट डी जो है आल टैब के लिए, हिस्ट्री बुकमार्क देखने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैं क्लोज करती हूँ। अब यहाँ पे देखो आपको यहाँ कोई भी पेज वगैरह बुकमार्क वगैरह शो नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कंट्रोल डी। ये देखिए ये हमारा रहा एक सिंगल पेज के लिए, राइट। अगर मैं सभी टैब के यूज करना चाहती हूँ तो उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट डी। ये देखिए ये हमारा बुकमार्क ऑल टैब। ठीक है, सिंगल के लिए रहेगा हमारा कंट्रोल डी और ऑल टैब्स के लिए रहेगा कंट्रोल शिफ्ट डी, राइट। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा है, ये चीज़ इसमें मेंशन है, यूज दिस शॉर्टकट टू ओपन बुकमार्क मैनेजर ऑन क्रोम विच विल अलो यू टू ओपन एंड डिलीट इंडिविजुअल बुकमार्क, क्रिएट बुकमार्क भी कर सकते हैं, फोल्डर भी, मूव बुकमार्क भी कर सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट जो हमारा मेन शॉर्टकट की कमांड क्या है, स्नैप यूज कर्सर टू द सर्च बार। जैसे हम बार बार यहाँ से हमें सर्च पे जाना पड़ता है हमें, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है फिर यहाँ टाइप करना पड़ता है, तो कर्सर को क्या करोगे, कीबोर्ड से बार बार कीबोर्ड से माउस से क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट तरीका हमने यूज करना है, तो उसके लिए हमारे क्या है, कंट्रोल प्लस एल, राइट। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल प्लस एल प्रेस करती हूँ तो बार बार यहाँ सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है जी, ठीक है। फिर मुझे सर्च करना है ITIW, उसके लिए कंट्रोल एल, ठीक है। इस तरह से आप कंट्रोल एल के साथ सर्च इंजन पे जा सकते हैं, ठीक। अभी देखिए नेक्स्ट जो हमारा रहेगा, इसके अंदर वही चीज़ बताई है, इंस्टेड ऑफ हैविंग टू टेक योर हैंड्स अवे फ्रॉम द कीबोर्ड टू मूव, बार बार आप कीबोर्ड से माउस से क्लिक करते रहते हो, तो उससे बचने के लिए हम यूज किया था हमने कंट्रोल एल, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे क्लियर ब्राउजर डाटा, जैसे कोई भी ना देखे भी हमने क्या यूज़ किया, क्या हमने काम किया है, तो उसके लिए क्या हमारा कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। ये देखिए कंट्रोल शिफ्ट और कीबोर्ड से टैल की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये हमारी क्लियर ब्राउजिंग डाटा। यहाँ से आप ब्राउजर हिस्ट्री जो है आप रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, या जिसको आप रिमूव करना चाहते हैं सिर्फ उसी को आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। सपोज कीजिए मुझे ब्राउजर हिस्ट्री इसको डिलीट करना है तो इसको मैं क्लियर डाटा कर सकती हूँ, नहीं करना तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर करने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारी नेक्स्ट जो कमांड रहेगी वो है हमारे क्लोज के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल W से जो बता था वन बाई वन टैब क्लोज होएगी हमारी, ये देखिए, ठीक है। जैसे क्लोज कर दी तो वापिस हमने वापिस लेके आया था तो उसके लिए क्या था, कंट्रोल शिफ्ट टी, सारे के सारे हमारी हिस्ट्री वगैरह ओपन हो सकती है। तो ये आपके लिए थी गूगल क्रोम से रिलेटेड मेन इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, जिनको आप यूज़ करके अपना बहुत सा टाइम सेव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।